अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो KFC के चिकन के करीब तरीन है। एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगी, करीब तरीन है। तो जनाब, सबसे पहले मैंने ड्रमस्टिक ले लिए केयर नेंस के, और उनको मैं उसकी जो हड्डी है ना वहाँ तक मैं गहरे गहरे कट लगा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत ना इसका खून जो है ना वो निकल आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बनाने में ना कट पर ज़रूर लगा लेने चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैं कट लगा लूँगी अच्छी तरीके से। और रमज़ान जैसे कि कल से परसों से शुरू हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए बनाए उनको बहुत अच्छी लगेंगी मेरी, क्योंकि बेटी पसंद करती है इस तरह की चीज़ें और सारे बच्चे करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए और इवन बड़े भी। अच्छा जी, मैंने सिरका और नमक लगा के ना इसको मैंने छोड़ देना है, और ये तकरीबन 2 घंटे के लिए ये पड़ा रहेगा। साथ में मैं चिकन भी इसी तरह से करके छोटी बोटियाँ लेके, क्योंकि मैंने हॉट शॉट भी बनाने, इसी तरह से मैं सिरका और नमक डाल के वो भी रख दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं सिरका और नमक में डूबी रहेंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी। साथ में मैं बनाऊंगी अरेबियन राइस, जो कि हम राइस एंड स्पाइस का खाते हैं, वो वाले राइस बना रही हूँ। तो मैंने सेला चावल ले लिए हैं इसके लिए, 1 कप ले लिए हैं, और इसको मैं भिगो दूँगी तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। ये भी साथ में मैं रख दूँगी भिगो के, मतलब ये वाली जो तैयारी है ये तो कंप्लीट हो गई ना, भीगने भुगने वाली तो हो गई तैयारी कंप्लीट। ठीक है जी, इसको भी मैं पानी डाल के सोक करने के लिए रख दूँगी। और अब इसकी बारी आती है मैरिनेशन की। इसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच भर के, और 2 चम्मच छोटे मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर जो है वो भी मैंने इसमें 2 चम्मच ले लिए हैं। ठीक है, ये 10 ड्रमस्टिक हैं मेरे पास, और मैंने 1 चम्मच भर के इसमें चिकन पाउडर का डाला है, और नमक भी इसमें थोड़ा सा डाला है। नमक थोड़ा एहतियात से डालिएगा, क्योंकि पहले भी डला था और आगे भी थोड़ा सा और डालना है मैदे में। ठीक है जी, इसको बस आपने कुछ भी नहीं और डालना। हाँ, इसमें मुझे बाद में जब याद है तो मैंने काली मिर्च भी इसमें डाली थी, वो भी डाल के, और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया था। ठीक है जी, इसमें 4 चीज़ें टोटल चली गई, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च। ठीक है जी, इसको भी मैं हॉट शॉट को भी मैं सेम उसी मैरिनेशन से मैरिनेट करके रख लूँगी, वही 4 चीज़ें डाल के। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इवन, और इसको आपने छोड़ना है तकरीबन 1 घंटे के लिए मज़ीद इसको छोड़ना है, ताकि अच्छा सा मसाला जो है ना वो इसमें रच जाए। अच्छा जी, अब बारी आती है अरेबियन राइस बनाने की, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ले लिया है। ठीक है जी, इसमें भी बहुत कम चीज़ें जाती हैं, और अब इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी लौंग, 4-5 मैंने लौंग ले ली, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी, और उसके बाद जी इसमें जाएगा नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें जाएगा। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके, और डायरेक्ट मैं, बल्कि मिक्स भी नहीं किया, डायरेक्ट मैंने चावल इसमें डाल दिए थे, और चावलों का जैसे हिसाब नॉर्मल होता है वैसे ही रखना है, जितना आप पानी डालते हैं अपने हिसाब से उतना ही डालिएगा। मैं तो डबल डालूँगी, 1 कप चावल थे तो 2 कप मैं इसमें पानी के डाल दूँगी। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना, लास्ट में कलर डालना है, सब बस मिर्चें डालनी है, दैट्स इट, हो गया। इसको बंद कर दूँगी। अच्छा जी, मैंने इसमें ले लिया है तसले में, खुले बर्तन में मैदा मैंने ले लिया, और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, ये कोटिंग के काम आएगा। सबस मिर्चें मैं काट रही हूँ जो कि मैंने अभी राइस में डालनी है। अब बारी आती है चिकन को कोट करने की, तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था तकरीबन। अच्छा, मिर्चें आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी इसको कर सकते हैं। पहले मैंने मैदे में इसको डिप किया,
उसके बाद पानी में आपने देखा होगा मैंने ठंडा लिया, इसमें क्यूब्स मैंने डाले हैं, इसमें पानी में डिप किया और दोबारा से उसी मैदे में कोट करके डबल कोटिंग करके इन सबको मैं रख लूँगी। और जो हॉट शॉट के लिए मैंने चिकन मैरिनेट किया है उसको भी सेम इसी तरह से कोटिंग करके आपने रखना है। आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे हम समोसे या शामी वगैरह फ्रीज़ करते हैं ना, अलग अलग रख के जब वो फ्रीज़ हो जाएँ तो उसको जिप लॉक बैग में या डब्बे में डालें और बस भर के रख दें, तो ये कि काम आते रहेंगे। और बच्चों को वैसे भी पसंद होते हैं, लॉकडाउन भी है तो बाहर से तो हम लोग खा नहीं सकते हैं। अच्छा जी, मैंने राइस में मिर्चें भी डाल दी हैं और अब इसके दम की बारी आती है चावलों की। और हॉट शॉट जो थे उनको भी मैंने इसी तरह से सेम इसी तरह ही कर लिया है, तो इसको भी सेम उसी तरह मैदे में कोट करके फिर पानी में डिप किया, दोबारा से उसको फिर मैदे में डिप किया, तो फिर इस तरह इसकी डबल कोटिंग हो गई। इस तरह से क्या होता है कि इनके जो क्रम्स हैं ना वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, इसमें ना ही कोई अंडा लगता है ना ही कोई ब्रेड क्रम्स लगते हैं, इसी तरह से ही ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ भी नहीं होना चाहिए लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए। अब मैं चिली गार्लिक सॉस और चिली सॉस को मिक्स करके इसकी सॉस बना लूँगी ये राइस के ऊपर, ये वैसे भी उसके साथ बहुत अच्छी लगती है जैसे कि KFC की होती है, तो बस इसको मिक्स करके और मैं इस बॉटल में भर के और साथ में रख दूँगी। अच्छा जी, मैंने फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरह से, ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, कम ऑयल में ये अच्छे फ्राई नहीं होते हैं, ऑयल अच्छा खूब भर के डालना है ताकि अच्छी तरह फुली जो है ना वो डिप हो जाए, और तकरीबन 5-7 मिनट में ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं और बिल्कुल वही टेस्ट आया था, शक्ल भी बिल्कुल वैसी थी और घर वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर इसको इस तरह बनाएं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जी, हॉट शॉट को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक, या जो भी अगर डार्क करना चाहते हैं थोड़ा सा तो अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लें। उसके बाद मैं अब बस अब सर्व कर दूँगी राइस वाइस निकाल के, और राइस जो है वो भी मेरे तैयार हो चुके थे, सिंपली मैंने इसको दम दिया है जैसे कि आम दम दिया जाता है चावलों को, और बस इसको मैं अब डिश में निकाल लूँगी और इसके ऊपर हॉट शॉट रख के और केचप वगैरह डाल के, तो ये बहुत अच्छे जो है वो रेडी हो गए थे और इस तरह से राइस मेरे बन गए थे। अच्छा जी, मैंने रेडी कर लिए थे और हम लोगों ने खा लिए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोग भी बनाएं अपने बच्चों के लिए और अफ्तार के टाइम पे ज़रूर, अगर हो सके टाइम हो तो उनको ज़रूर बना के दें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे क्योंकि जो पहला रोज़ा रख रहे होते हैं या बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए ऐसे बहुत अच्छी ट्रीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।